मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, कुछ ऐसा ही मंजर और एहसास हुआ उन युवाओं को जो यूक्रेन जिंदगी संवारने की पढ़ाई के लिए गए हुए थे। लेकिन इन हालातों में अपनी जिंदगी कैसे बचाई जाए, यह सबक सीख कर लौटा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के 5 दिन हो गए हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए भारतीय छात्रों को निकालने के लिए लगातार प्रयास भी जारी हैं। इस दौरान कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें भारतीय झंडा लगे युवाओं को रास्ता दे दिया गया हो, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें वह भारतीय तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा जिसका बच्चा, विशेषतः बेटी, यूक्रेन में फंसी हो, आंख नम और बेबसी चेहरे पर आती जाती लकीरों को बढ़ा रही हो। कल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का वह वीडियो सामने आया था जिसमें वह प्लेन में सवार युवाओं को दिलासा देते नजर आ रहे थे कि भारतीय पीएम हर पल हर जगह हर हालात में खड़े हैं। तो आज राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि इस तरह की हिंसा झेल रहे भारतीय छात्रों व उनके परिवार के प्रति उनकी संवेदना है, किसी भी पेरेंट्स को इससे नहीं गुजरना चाहिए। यहाँ बात यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के साथ हो रही मारपीट की हो रही है। इसमें रूसी सेना द्वारा छात्राओं को निशाना बनाते हुए देखा व सुना जा रहा है। पहले देखिए ज्योतिरादित्य का वह वीडियो। वेलकम बैक एवरीवन, वेरी हैप्पी टू हैव ऑल ऑफ यू बैक सेफ एंड साउंड बैक इन आवर मदरलैंड। ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, बोथ मुरलीधरन जी एंड आई आर प्रेजेंट हियर टू वेलकम यू बैक। आई नो यू हैव ऑल बीन थ्रू अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम, अ वेरी वेरी ट्राइंग टाइम, बट नो दिस दैट द प्राइम मिनिस्टर इज विथ यू एवरी स्टेप, the government of India is with you every step, and 130 crore Indians are with you every step of the way, and we will leave no stone unturned until every single one of our citizens are back safely back home in India. So please pass this message on to all your friends, all your colleagues, that we are with them and we will guarantee their safe passage back. Pradhan Mantri ji is in touch with the Ukrainian Rashtrapati ji. The conversations are on to ensure that everyone is brought home safely. Conversations are also on with the Russian government, and we assure you ki ek ek nagrik ko vapas apne matrabhumi mein hum log surakshit rakhe hi chain ki saans lenge. बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया के सभी क्रू को भी मैं अपने पैनल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई नो नाउ ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू, सो लेट्स गो एंड मीट देम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय हिंद। आज राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हम ऐसे अपने नागरिकों को नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने यह वीडियो भी शेयर किया है। ये क्या कैसे मार रहे लड़कियों को। अब बात लखनऊ की गरिमा की। वह बेहद दुखी, असहाय, जीवन को लेकर चिंतित वह रूसी सैनिकों द्वारा किए जा रहे अमानवीय कृत्य से आहत नजर आ रही है। यह वीडियो गरिमा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, देखिए। मेरा नाम गरिमा मिश्रा है, मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने कुछ वीडियोस देखी हैं, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल कर रहे हैं, एमबीसी हमें हमारी कॉल नहीं उठा रही है। सेकेंड थिंग, हम लोगों को
बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा, हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जिस जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाय ट्रेन, क्योंकि हम बाय ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाय कैब और बाय बस, उनको रशियन पीपल्स ने, रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही हैं, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहां पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज, अब कहाँ गए हम, तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी है, प्लीज, हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था, ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा, शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, अब जो भी हो, जहां भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो, प्लीज जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो। इस खबर में फिलहाल इतना है, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।